बिन तेरी यादों के जीना है अब तो मुश्किल, कैसे मैं बतला कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाई नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सन 1999 में आई संजय कपूर साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म सिर्फ तुम की शूटिंग लोकेशन। इस फिल्म की कहानी इतनी ज़्यादा रोमांटिक थी कि उस समय पे फिल्म जो है बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी, और इस फिल्म का एक गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। इस फिल्म में हीरो जो हैं संजय कपूर, वो केरल में नौकरी करते हैं और अभिनेत्री जो होती हैं वो नैनीताल की होती हैं। तो गाना आता है, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुँचाए ऐसा खत में कुछ बेदर्दी भेजो, ऐसा गाना था। तो फिलहाल हम केरल राज्य के एर्नाकुलम टाउन नामक स्थान पर हैं। यह स्थान जो है समुद्र के बिल्कुल किनारे से है। यहाँ हम कल सुबह पहुँचे थे, तो हमने सीधी आगरा से ट्रेन पकड़ी थी। आगरा से सीधी ट्रेन है त्रिवेंद्रम के लिए, तो हम यहाँ पे उतर गए एर्नाकुलम। और वैसे यहाँ पे आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक में कोच्चि एयरपोर्ट है, तो हम फ्लाइट से आ सकते हैं। यहाँ पे आप बस से या ट्रेन से आ सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है मेनका, और उसी के पास में मेनका के पास में एक वो है मरीन ड्राइव नाम से जगह, जैसे मुंबई मरीन ड्राइव है ना, ऐसे ही समुद्र के किनारे है यहाँ पे। देखिए ये रोड है, और बस वाले भाई साहब ने हमें थोड़ा सा आगे उतारा था, वहाँ से हम थोड़ा पीछे आ गए। यहाँ पे एक पार्किंग बनी हुई है, तो यहीं पर रास्ता है, तो यहाँ से हम आ गए इधर। और ये है एर्नाकुलम का मरीन ड्राइव बीच। देखिए यहाँ पे ये पूरा अरब सागर है, पानी की बहुत सारी जहाज खड़ी हैं। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, इनका अलग अलग चार्ज है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। मुंबई में एकदम पूरी सफाई है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कुछ घास है, इसको समुद्री घास भी कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे उगी हुई है। और गाने की शूटिंग जो है इसी मरीन ड्राइव पर हुई थी। यहाँ पर ये एक ब्रिज बना हुआ है, बड़ा ही शानदार है। तो इसी ब्रिज के ऊपर से अभिनेता संजय कपूर इधर से और उधर साइड में जाते हैं, तो वो सीन जो है यहीं पे फिल्माया गया था। चलिए पहले सीन दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी की बातें बाद में करेंगे। और हाँ, हम यहाँ पे परसों आए थे ना, तो परसों भाई साहब था संडे का दिन, तो उस समय हम यहाँ पे वैसे भी शाम को आए थे करीब 5 बजे के समथिंग, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ थी। यहाँ पे देखिए पूरी दुकानें खुली हुई थी, लेकिन अभी सुबह का वक्त तक कोई नहीं है। अच्छा यहाँ पर आप सीन देखिए, समझ में आए मैं क्या करूं। ये जब गाना शूट होता है, इस गाने के जब बोल आते हैं, तो संजय कपूर साहब इधर से इधर आते हुए नज़र आते हैं। देखना क्या मस्त का नज़ारा है, देखो ये पूरा अरेबियन सागर। छोटा बोट, बोट है, कितना चार्ज है? छोटा बोट का 800 रुपया, बोलगाटी मरीना हयात फॉरेन याच और स्पोर्ट चाइनीज में पूरा। तो एक साथ कितना लोग लेके जाते हैं? चलेगा वो बड़ा बोट 1 घंटा चलेगा, एरिया आधा घंटा में चलेगा। और ये बड़ा बोट में जाए तो इसमें तो बोट आती नहीं, पूरा आती के चलेगा, पूरा भर के चलेगा। इसका क्या चार्ज रहता है बड़े बोट का? बड़ा बोट का 200 रुपया एक व्यक्ति का, और छोटा बोट का 800 का, वो 2 आदमी का अभी चलेगा, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा 800 का। भाई वो पेट्रोल बोट है, वो मॉर्निंग पस वर्क है, वो उधर बोट है, छोटा छोटा इधर बोट है। नहीं हम थोड़ा वेट कर लेंगे, अभी हमें थोड़ा घूमना है, तो बड़ा बोट के लिए नहीं, वो क्या वो अच्छा ट्रिप पे फॉरेन का याच बोलगाटी वो पैलेस वो ट्रिप पे चलेगा। ये जो आइलैंड बने हुए हैं यहाँ पे, ये आइलैंड, ये सारी दिखा देखने का फोटो कर रहे हैं नीचे का, वो एंटरटेन का वो चार्ज। अभी यार अभी भीड़ नहीं है, लोग भीड़ नहीं है, लोग कब तक आ जाएंगे यहाँ पे? कोई उसको क्या चाइनीज स्नैक का पूरा में देखेंगे, वो 800 में नहीं 100 रुपीस का लेस कर रहे हैं फर्स्ट कट पे। अरे यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग भी होती ना, शूटिंग के कौन सा नैनीताल से सर्दी भेजो उसका अच्छा। मैं हम सोच रहे हैं बड़ी वाली बोट में जाए, थोड़ा सा छोटा बोट का ओके 600 चलेगा 600 नहीं अभी राइट है। मैं मेरा वो साथी उसको पूछता हूँ, उसे बात करो आप, उसे वही करेगा भाई गया नीचे बोट का सोई भी जिसका सोई भी बोट को दिखाओगे पहले तो देखने का, और 200 का ज़्यादा में इधर से 200 में 400 और 600 का एक बोट चलेगा। चलो देखते हैं उसे और बात करता हूँ मैं एक बार। बोलो बोलो
गाने का एक सीन यहाँ पर शूट किया जाता है जब अभिनेता संजय कपूर यहाँ पर बैठकर गिटार बजा रहे होते हैं, तो यहाँ पे करीब गाने का 20 सेकंड का सीन शूट किया जाता है। इस तरह से आप पूरी लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिज का ये वाला हिस्सा दिखाया गया है और यहाँ पे इस तरह से बैठते हैं। फिल्म के सारे सीन आप देख चुके हैं और अभी मैं आपको ये पूरा ब्रिज दिखा देता हूँ, ये क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। देखिए इधर ये पूरा अरेबियन सागर है और यहाँ पर एक कुछ नाला बना हुआ है, शायद ये निकल रहा है इधर, तो इसी के ऊपर ये ब्रिज जो है बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ऊपर 3 लाइटें लगी हुई हैं, इधर एक कौवा बैठा हुआ है भाई साहब, तो बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे जो बोट खड़ी हैं, चलिए मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। आप देखिए वहाँ पे बड़ी वाली बोट हैं और यहाँ पे छोटी वाली बोट हैं। बोट का क्या चार्ज रहता है वो अभी अंकल जी ने सारा कुछ बता ही दिया। बड़ी बोट में अगर आप घूमोगे, बहुत सारे पैसेंजर होंगे, तब बड़ी बोट यहाँ से स्टार्ट होगी, तो उसमें एक व्यक्ति का 200 रुपया टिकट है। और अगर आप स्पेशल एक या दो लोग हैं तो छोटी वाली बोट कर सकते हैं, उसमें आप हमको दो लोगों के लिए बता, तो उसमें 800 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। वैसे हमारा बोट में घूमने का कोई विचार नहीं है क्योंकि हम कई बार बोट में घूम चुके थे, ऐसा कोई शौक तो है नहीं कि बोट में घूमना है। कई बार समुद्र में और नदी में मैंने कई बार बोटिंग की है। और ये जो ब्रिज है इसको तो आप देख ही सकते हैं भाई साहब, इसका तो शानदार नज़ारा है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, इस फिल्म की शूटिंग जो है यहाँ के अलावा हमें यहाँ से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है एलेप्पी, तो वहाँ पे भी इस गाने के कई सीन शूट किए गए हैं। जब संजय कपूर एक खड़े होते हैं नाव के इंतज़ार में, तो नाव आती है तो उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो सारे सीन जो एलेप्पी में शूट किए गए थे। और यहाँ के अलावा ये फिल्म जो है नैनीताल में शूट हुई है, वहाँ के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नैनीताल वाले वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हैं बहुत सारी बोट, देखिए लोग यहाँ पे जाल इकट्ठा कर रहे हैं, ये भाई साहब मछली पकड़ने का जाल है, इसको मछली पकड़ेंगे लोग। यहाँ पे टिकट काउंटर है, नाव में बैठना है यहाँ से टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे घड़ी लगी हुई है टाइम बताने के लिए कि समय कितना कीमती है। 8:30 बज चुके हैं और हमें यहाँ से वापस रूम तक पहुँचना है 10 बजे तक, क्योंकि हमें 10 बजे यहाँ से रूम खाली करके दूसरी जगह के लिए रवाना होना है। और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया झोंपड़ी बनी हुई है, देख अंकल जी बता रहे थे इस बोट में, हाँ आराम से यार, इसमें भी 3 और 3 6 सीट बनी हुई, 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसमें भी 6 लोग बैठ सकते हैं, तो इसका भाड़ा है 800 रुपया। तो यार ये भी सही है, अगर इसमें जाएंगे 200 रुपये में तो अगर 6 लोग बैठेंगे तो 1200 होगा, इसमें 800, तो ये सस्ती पड़ेगी, लेकिन लोग ज़्यादा होने चाहिए। बाकी आप ऐसी नाव में भी घूम सकते हैं भाई, ये भी मज़ेदार है, पूरी भीगी पड़ी है। ये बाड़ी है, ये वाली बड़ी बोट है भाई, इनमें लगता है 200 रुपये टिकट एक व्यक्ति का। समुद्र के किनारे पे जो सीन आता है ना, गजब आता है भाई साहब, मन ऐसा करता है कि यहीं बैठे रहें, ठंडी ठंडी लहरों के साथ आनंद लेते रहें। आप बताइए आपको यहाँ पे सीन कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक नहीं करते बड़ी कंजूसी करते हो लाइक करने में भाई। जहाज़ को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए खम्भे बने हुए हैं, तो यहाँ पर रस्सी बांध देते हैं जिससे जहाज़ कहीं भाग के ना जाए। देखिए एक रस्सी वहाँ बांध रखी है, एक यहाँ बांध रखी है, और मतलब सभी जगह इसी तरह से रस्सी बंधी हुई हैं। ये छोटी वाली नाव है, इसके लिए भी रस्सी बांध रखी है भाई साहब। और यहाँ पर लोग जो देखिए लुंगी पहन के घूमते हैं मस्त आराम से, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग अधिकतर लोग यहाँ पे लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। एक फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें भी आपने देखा होगा लुंगी 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 डांस लुंगी डांस। तो और हाँ एक बात मुझे याद आई, हम यहाँ से आगे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की भी शूटिंग लोकेशन दिखाने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों फिल्म में आपने बहुत सारे कंटेनर भी देखे होंगे, वो कंटेनर जो है ना उस समय वहाँ पर रखे गए थे। देखिए उधर जो टापू देख रहे हैं आप, वहाँ पर रखे गए थे कंटेनर, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कुछ सब वगैरह तो हैं लेकिन कंटेनर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो और जितने भी यहाँ पर सीन थे, यहाँ ब्रिज के ऊपर जो सीन लिए गए थे, वो सभी मैं आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग जो है हिंदुस्तान में 3 जगह हुई है, केरल में, नैनीताल में और दिल्ली में। तो जो नैनीताल की शूटिंग है वो अब मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, और केरल की शूटिंग लोकेशन आपने इस वीडियो में देख ली। अब बची दिल्ली की शूटिंग लोकेशन, तो दिल्ली की लोकेशन भी मैं आपको जल्द ही दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं, एक फिल्म में डायलॉग है ना, पता नहीं फिल्म कौन सी में है वो, तो दिल्ली वैसे हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर दूर है। जब मन करेगा तो दिल्ली हम चले जाएंगे और आपको सिर्फ तुम फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखा देंगे।
आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले दो दिन से जुकाम लगा हुआ, उसकी वजह से मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो आवाज़ शायद कम ही निकल पा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात को बधाई गाए हों मैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।